हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के कलीम हैं। फिरौन की फौज ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के साथ जब पीछा किया, खत्म कर दो मूसा की कौम को, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लिए हुए आगे 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 आगे, फिरौन अपनी सेना लिए हुए पीछे 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 पीछे। मूसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों को अपने साथ ले जा रहे हैं और सेना पीछे पीछे ईमान वालों के पीछे पीछे मारने के लिए। फिरौन की सेना की बात कर रहा हूं, कोई और सेना यही हरकत करे तो वो खुद जिम्मेदार है। फिरौन की सेना मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल आगे चलते 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 सामने दरिया आया। दरिया में कूद पड़े तो सब हलाक हो जाएं, पूरी कौम डूब जाए, और खड़े रहे तो पीछे से आर्मी फौज आ रही है, वो काट डालेगी गाजर मूली की तरह। अपने कौम की जान बचाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा उठाया, दरिया की छाती पे मारा, दरिया का एक पार्ट इधर हो गया, दूसरा बीच में रास्ता बन गया। तो कभी कभी डंडों से भी रास्ते बनाए जाते हैं, इस्तेमाल डंडे का सही होना चाहिए। रास्ता बन गया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा चलो, रास्ता रब ने बना दिया, चलो। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के जब बीच में पहुंचे तो सेना फिरौन की पीछे पीछे फिरौन के साथ किनारे आए। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ बीच में, फिरौन अपनी फौज के साथ किनारे आया, देखा बना बनाया रास्ता है, अपनी कौम से बोला फॉलो मी, कैरी ऑन, चलते रहो, गो अहेड। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के दरिया के उस पार पहुंचे, फिरौन अपनी फौज को लेकर दरिया के बीच में पहुंचा, दरिया के दोनों पार्ट मिल गए, फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ घर से दरिया हो गया। पढ़ा है ना, सुना है ना, ये कभी सोचा कि दरिया के इन बेजान बेरूह कतरों को किसने समझाया? अभी नामी लो नबी जा रहा था, अभी नामी लो रसूल जा रहा है, अभी नामी लो कलीम जा रहा है। फिर जब वो निकल गए तो दरिया के इन बेजान और बेरूह कतरों को किसने इंफॉर्मेशन दे दिया, मिल जाओ फिरौन जा रहा है, अब मिल जाओ काफिर जा रहा है, अब मिल जाओ गद्दार जा रहा है। तो दरिया के बेजान कतरों को, तवज्जो, दरिया के बेजान कतरों को नबी और काफिर के कदम का फर्क मालूम, और ये बुखारी तक पड़ गए नबी और उम्मती का फर्क न जान सके।